हेलो दोस्तों मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं तो ये परसेंटेज प्रतिशत से संबंधित ये दूसरा क्लास है आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दिया है कि नब्बे रुपए का तिरासी सही एक बटा तीन परसेंट कितने रुपए के साठ परसेंट के बराबर है आइए देखते हैं किचन क्या कर रहा है तो रहा है कि नब्बे का नब्बे रुपया हो गया का मतलब गुणा होता है ये तो पता है तिरासी सही एक बटा तीन का मतलब क्या हो गया ये हो गया दो सौ पचास तीन परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटे में तो, कितने रुपए के साठ परसेंट के बराबर है कह रहे कि कि बराबर ये बराबर है कितने के मान ले रहे हैं कि एक्स इतने रुपए का कर रहा है तो हम मान ले रहे हैं कि एक सौ रुपए के क्या मतलब गुना होता है 60 परसेंट के बराबर है तो ये 60 बटा 60 परसेंट का मतलब क्या लिख दें इसको 60 बटा में हम सौ दें ये बात समझ में आ गई अब देखिए ये 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा ये तीन से ये कट जाएगा इस बार में यहाँ तीस से ये कट जाएगा तीस दुना के बचा कितना यहाँ बचा दो सौ पचास इधर क्या बचा गुणे दो ये दो से कटेगा ये हो जाएगा क्या एक सौ पच्चीस एक्स कमाना कितना आ गया x का मान आ गया एक सौ पच्चीस तो ये पूछ रहा है कितने रुपए के साठ परसेंट के बराबर है तो हम माने थे कि एक सौ रुपए के साठ परसेंट के बराबर है तो का मान आ गया कितना एक सौ पच्चीस अतः विकल्प नंबर चार हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहत्तर ग्राम तीन दशमलव छह किलोग्राम का कितना बस एक कितना रहेगा कितना प्रतिशत है तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन साधारण प्रश्न में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है तो इसका एक बार रूल आप देख लेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा देखिए ये क्या दिया है ये बहत्तर ग्राम दिया है ये तीन दसमलव छह किलोग्राम दिया है तो पहले इन दोनों का मात्रक सेम करना है क्या करना है इनका जो मात्रक है, वो सेम होना चाहिए यहां देखिए ये तीन है, छह किलोग्राम तो किलो को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में ग्राम में तो हम जानते हैं कि एक किलोग्राम बराबर कितना होता है एक हजार ग्राम होता है एक किलोग्राम बराबर कितना होता है एक हजार ग्राम होता है तो ये क्या है ये तीन दशमलव छ है तो तीन दशमलव छ अगर बड़ा मात्रक दिया है और छोटा मात्रक में, में कन्वर्ट करना होता है तो इसमें गुना किया जाता है तो एक हजार का गुना कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा ये हमारा ग्राम में बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीस सौ अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है इसमें सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन संख्या बटे के रूप में रहेगी कौन संख्या बटे के रूप में नहीं रहेगी तो आज के बाद आपको इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे एक दिया है क्या कि तीन दशमलव छह किलोग्राम का कितना परसेंट का दिया है कितना ग्राम तो कितना के स्थान वह हम मान लेंगे कि x कितना प्रतिशत दे रहा है ना कितना प्रतिशत तो हम मान लेंगे कि x प्रतिशत तीन दशमलव छः का कितना पर प्रतिशत तो हम मान लेंगे एक्स प्रतिशत तो ये हो जाएगा तीन दशमलव छ किलोग्राम का मतलब क्या होता है गुणा हम कितना माने हैं एक्स परसेंट यही एक्स परसेंट हो गया यही कितने के बराबर है यही बहत्तर ग्राम के बराबर है ये हो गया बहत्तर अब देखिए तीन दशमलव छह किलोग्राम है तो इसको किलोग्राम है तो इसको हम ग्राम में चेंज किए तो ये क्या हो गया है ये हो गया है हमारा छत्तीस सौ का एक बटा में सौ ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा बहत्तर ग्राम यहाँ ग्राम से ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या छत्तीस एक्स बराबर बहत्तर तो छत्तीस से कट जाएगा छत्तीस बना के बहत्तर एक्स का मान कितना आ गया एक्स का मान आ गया हमारा दो अतः विकल्प नंबर चार हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ये तो जिस प्रकार है हम वैसे कर लिए अब अगर साठ में लगाना चाह रहे हैं अगर इसे साठ में लगाना चाह रहे हैं तो जिसके साथ कार है जिसके साथ कार है वो राशि बटे के रूप में रहेगी जिसके साथ अगर कार लगा है वो राशि क्या रहेगी हमारी बटे के रूप में रहेगी ये हो गया हमारा बहत्तर ग्राम ऊपर बटे में कौन सी संख्या लिखी जाएगी जिसके साथ का लगा है वो हमारी क्या होगी बटे के रूप में लिखी जाएगी तो ये तीन दशमलव छह किलोग्राम है तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीस सौ ग्राम और प्रतिशत में बदलने के लिए सौ से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे ठीक है।, है ये दो जीरो से दो जीरो छत्तीस दुना बहत्तर ये हमारा दो समझ आ गई तो जिसके साथ का लगा रहेगा वो हमारी राशि क्या होगी बटे में होगी इसमें सबसे पहले का देखना है मात्रक सेम होना चाहिए ये किलोग्राम है ये ग्राम है तो दोनों मात्रक अगर या तो इसको इसको भी किलोग्राम में बदल लीजिए या तो इसको ये किलो है इसको ग्राम में बदल दीजिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि छत्तीस मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है अब देखिए एक छत्तीस मिनट है और एक दिन है तो हम जानते हैं एक दिन बराबर कितना होता है एक दिन बराबर होता है चौबीस घंटा चौबीस घंटा हो गया लेकिन ये क्या दिया है हमारा मिनट में दिया है और जानते हैं कि एक घंटा बराबर एक घंटा बराबर कितना मिनट होता है साठ मिनट होता है ये चौबीस हो गया एक घंटा बराबर यहाँ क्या होता है एक घंटा घंटा बराबर क्या होता है साठ मिनट अब ये हो गया हमारा, हमारा कन्वर्ट मिनट इस में इसमें कन्वर्ट हो गया मिनट में तो अब हम यहाँ गुणा कर सकते हैं लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे क्यों क्योंकि गुणा करेंगे तो यहाँ भी समय लगेगा और लास्ट में जब भाग भी करेंगे तो हमारा ज्यादा समय लगेगा तो हम ये राशि छोड़ देंगे चौबीस साठ मिनट गए ठीक है अब देखिए हम बताए हैं जिसके साथ अगर का लगा है वो बटे में रहेगा तो दिन के साथ का लगा है तो दिन वाली जो जो राशि होगी वो क्या होगी हमारे बटे के रूप में होगी ये हमारे बटे के रूप में हो गई ऊपर क्या हो गया ये छत्तीस मिनट हो गया प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे सौ से गुणा कर देंगे ये हो गया एक जीरो से एक जीरो कैंसिल चार बार में ये कट जाएगा, ये क्या होगा ये हमारा आएगा दस बटा में चार इसे कटाएंगे ये पांच बटा में दो पांच का आधा कितना आई होता? होता है दो दशमलव पांच यही हमारा क्या हो गया यही हमारा आंसर हो गया दो दशमलव पांच अर्थात विकल्प नंबर दो हमारा क्या हो जाएगा ये राइट आंसर होगा ठीक अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है अगर मान लीजिए कि यह भूल गया है कि कौन राशि बटे के रूप में रहेगी कौन राशि बटे के रूप में तो नहीं जाएगी तो यहां दिया है कि एक दिन का कितना कितना के स्थान पे हम क्या मान लेंगे x कितना स्थान पे क्या मान लेंगे x परसेंट मान लेंगे अब लगाइए एक दिन का एक दिन का एक डे हो गया क्या मतलब होता है गुणा x परसेंट माने हैं तो x बटा में सौ यही कितने के बराबर है ये छत्तीस मिनट के बराबर है ये हो गया हमारा छत्तीस मिनट हो गया अब देखिए एक डे दे बराबर कितना मिनट होता है तो हम यहाँ तो निकाल लिए हैं ये होता है चौबीस भूणे साठ मिनट भुणे एक से बटन ये हो गया हमारा सौ यहाँ क्या है हमारा ये छत्तीस मिनट है मिनट से मिनट यहाँ कैंसिल कर दीजिए यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया छः से कटा दीजिए छह बार में एक कटे जाएगा छह से यहाँ कटा दीजिए ये कितना बार में कट जाएगा चार बार में कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा चार एक बटा में दस बराबर इधर क्या बचा एक बचा और देखिए यही सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए जब एक्स का मान निकालेंगे ये होगा दस ये बटे के रूप में आएगा ये चार हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या आएगा दो दशमलव ये बात समझ में आ गई अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीछे क्वेश्चन बताया गया है वो सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है आप इसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन यदि p माइनस क्यू का 50% परसेंट बराबर p प्लस क्यू का 30% परसेंट और q बराबर p का x% परसेंट हो तो x का मान बताइए ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है आइए इस किचन को देखते हैं दे कह रहा है ये दे रहा है कि P माइनस क्यू का मतलब गुणा होता है ये पचास परसेंट का मतलब पचास बटा में सौ बराबर है तो बराबर P प्लस क्यू का मतलब गुणा तीस दे रहा है तो तीस बटा में सौ ये इतना बात तो खत्म हो गया ये हम फर्स्ट लाइन यही कह रहा है तो हम इतना बोले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सौ से सौ ये कैंसिल हो जाएगा अब देखिए बचा क्या यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा अब गुणा कर लीजिए ये हो जाएगा पांच पी माइनस पांच क्यू बराबर तीन पी प्लस तीन क्यू अब देखिए पी को एक तरफ और क्यू को एक तरफ ले जाइए तो ये पी इधर आएगा तो पांच पी माइनस थ्री पी बराबर तीन क्यू ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पांच क्यू ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू पी ये कितना आठ अब जब भी ये संबंध निकाला जाता है अगर इसमें हम पूछे कि पी बटा क्यू का मान क्या होगा तो जो पी के साथ राशि रहती है जो पी के साथ राशि रहती है गुणा होता है जिस पी के साथ ये दो का गुणा है ये ये होता है क्यू का मान और जो क्यू के साथ गुणफल के रूप में रहता है वो होता है हमारा पी का मान ठीक जैसे मान लीजिए पांच पी बराबर तीन क्यू है अब यहाँ अगर पी बटा क्यू का मान निकालेंगे तो ये जो क्यू के साथ है वो हमारा पी का मान होता है और जो पी के साथ है वो हमारा होता है क्यू का ठीक तो यहां निकालेंगे बटा क्यू निकालेंगे ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ये किसका मान है ये है हमारा पी का मान और ये है क्यू का मान ये हटाएंगे तो चार बटा एक तो पी का मान कितना आ गया चार आ गया क्यू का मान एक आ गया अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि पी बराबर क्यू का परसेंट ये देखते हैं यहां देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू बराबर P का मतलब गुणा एक्स परसेंट का मतलब एक्स बटा में तो अब यहां देखिए यहां पी का मान क्या है पी का मान चार है और क्यू का मान कितना है तो क्यू का मान एक है यहां मान क्या कर रख दें रख देंगे तो पी का मान क्यू का मान कितना है एक है पी का मान कितना है चार है एक गुणा कितना हो गया x बटा में सौ तो ये कट जाएगा ये क्या हो जाएगा 25 तो यहाँ x का मान निकालेंगे इधर गुणा कर देंगे x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25 यही हमारा क्या होगा यही हमारा x का मान हो तो विकल्प नंबर तीन हमारा क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई है ना आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी क्या है सेम पैटर्न पे है लेकिन यहाँ काई करने में मिस्टेक हुआ है ये जीरो नहीं रहेगा ठीक है ये हमारा जीरो नहीं रहेगा ठीक है और जो पीछे बताया गया है क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है बस क्या है आंकड़े चेंज है देखिए बस क्या है आंकड़े चेंज है तो आप इसे सॉल्व करेंगे ये एसएससी में पूछा जा चुका है आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि x y का 50% बराबर x y का 30% है तो x का कितना प्रतिशत y है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है रहा है कि पचास परसेंट का मतलब 50 का पचास बटा में सौ बराबर x प्लस वाई का तीस परसेंट तीस बटा में सौ इतना हम पहले साल कर रहे हैं ये सौ से सौ कैंसिल एक जीरो से एक जीरो कैंसिल ये क्या हो गया ये हो गया पांच एक्स माइनस पांच वाई बराबर ये क्या हो गया तीन एक्स प्लस तीन वाई एक्स एक तरफ और वाई एक तरफ ये करेंगे तो पांच एक्स माइनस थ्री एक्स ये आएगा तो माइनस हो जाएगा ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा थ्री वाई प्लस पांच वाई अब यहां देखिए ये हो जाएगा टू एक्स बराबर टू एक्स बराबर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आठ वाई तो एक्स बटा वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये आएगा आठ बटा में दो तो, इसका मतलब ये चार तो एक्स का मान कितना हो गया चार हो गया और वाई का मान कितना हो गया एक हो गया कहा तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक्स का कितना परसेंट तो मान लेते हैं एक्स का पी परसेंट एक्स का कितना प्रतिशत वाई है तो मान लेते हैं एक्स का पी परसेंट क्या है वाई ये समझ में आ गई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए आगे अब एक्स का मान रख देते हैं एक्स का मान कितना है चार है पी परसेंट का मतलब बटा में सौ बराबर ये वाई हो गया यहां कटेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा पच्चीस हो जाएगा पी का मान निकलेगा जब पी का मान निकालेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा ये वाई का मान यहाँ रख दीजिए वाई का मान कितना है एक है तो ये रखेंगे यहाँ y का मान भी रख देंगे तो y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा p का मान आएगा 25 यही हमारा क्या हो गया यही हमारा आंसर हो गया मतलब तो विकल्प नंबर दो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है भाई समझ में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है देखते हैं कहा तो है कि y का मतलब हुआ 80% में 80 बटा में 100 कितना है x है ये कितना है x है तो यहां निकालेंगे एक जीरो से एक जीरो ये कट गया ये चार और ये पांच इसका मतलब चार और यहां त्रिय गुणा करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा पांच 5x अब x वाई का मान निकालेंगे तो क्या होगा जो एक्स के साथ रहता है वो वाई का मान जो वाई के साथ रहता है वो एक्स का मान होता है तो वाई के साथ चार है तो एक्स का मान हो जाएगा X के साथ 5 है तो ये हमारा वाई का मान हो जाएगा ठीक तो यहां क्या हुआ यहाँ एक्स का मान चार हो गया और वाई का मान कितना हो गया हमारा पांच हो गया ये बात समझ में आ गई अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स का कितना परसेंट वाई है तो हम मान लेते हैं कि एक्स का मतलब गुणा कितना परसेंट के स्थान पे हम मान लेते हैं कि p परसेंट कितने के बराबर है y के बराबर ठीक है अब देखिए x का मान कितना है x का मान रख दीजिए x का मान तो हम यहाँ निकाल लिए हैं x का मान क्या है चार है पूरे p बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा सौ हो जाएगा वाई का मान कितना है पाँच है तो पाँच रख दें ये हमारा हो जाएगा पच्चीस तो यहाँ पी का मान निकालेंगे तो ये त्रीय गुणा कर देंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा पच्चीस पचे 100 तो यही हमारा क्या हो गया t का मान 125 यही पूछा है x कि का कितना परसेंट तो 125% ही क्या होगा y के बराबर होगा अतः विकल्प नंबर b हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देर है कि a का 80% बराबर b का 50% और b बराबर ए का एक्स परसेंट हो इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया गया है आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे अब देखिए ये क्वेश्चन पर तो है कि यदि एक्स का आठ परसेंट वाई के चार परसेंट के बराबर है तो एक्स का बीस परसेंट किसके बराबर होगा आइए क्वेश्चन देख लेते हैं पर है कि एक्स का आठ परसेंट आठ बटा में सौ वाई के चार परसेंट बराबर है तो बराबर का चीन लगे वाई के मतलब गुणा चार परसेंट का मतलब कि बटा में तो ये सौ से सौ कैंसिल हो गया चार गुना के आठ ये क्या हो गया टू एक्स बराबर मतलब यहां कुछ नहीं है तो एक मानेंगे तो एक्स बटा वाई का मान निकालेंगे तो एक्स का मान एक और वाई का मान कितना हो जाएगा तो हो जाएगा। ये बात समझ में गई अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक का बीस परसेंट एक्स का बीस बीस परसेंट निकालिए एक्स का मान कितना है एक है एक्स का बीस परसेंट निकालने के लिए करा है तो बीस बटा में सौ एक्स का मान कितना है एक है एक कूड़े बीस बटा में सौ बीस पांच सौ इसका मतलब इसका मान कितना आ गया एक वटा पांच आ गया क्या आ गया इसका मान आ गया एक वटा पांच अब एंसोर में देख रहे हैं तो एक वटा पांच किसी में नहीं दिया है किसके रूप में दिया है तो वाई के रूप में दिया है यहाँ देखिए वाई का मान तो हम जान रहे हैं कि कितना है, है सौ इस, का मतलब में का गुणा मतलब मान कितना है तो, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले इसका ही मान क्या आ गया एक बटा पांच आ गया पहला विकल्प हमने सॉल्व किया और एक बटा पांच आ गया यही इसका भी मान है तो यही पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा तो ये एक्स बीस परसेंट के बराबर यही होगा अतः विकल्प नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर अगर सपोर्ट डेटा अगर ये आंसर नहीं आता तो अब इसको हम सॉल्व करते पचास परसेंट का पचास बटा में सो वाई का मान कितना हो गया तो ये इसका मान क्या आ जाता है एक आ जाता है इसके बराबर है नहीं है तो ये विकल्प हमारा नहीं होता इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेते इसको भी सॉल्व कर लेते जो मान एक बटा पांच आता वही हमारा विकल्प क्या होता सही होता अथा यहाँ विकल्प नंबर एक हमारा क्या है राइट आंसर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यदि b- माइनस ए का तीस परसेंट बराबर b+ प्लस ए का अठारह परसेंट हो तो a संबंधी b का अनुपात क्या है अब देखिए यहां दे रहा है कि b- माइनस ए का तीस परसेंट तीस परसेंट कौन लग तीस में सौ so, b+ प्लस ए का कितना है अठारह परसेंट अठारह में सौ so, को सॉल्व करते हैं सौ से सौ ये तो कैंसिल हो जाएगा ये तीन से कटा देते हैं ये छह बार में जाएगा ये क्या होगा हमारा दस अब दो से कटा देते हैं ये हो जाएगा हमारा तीन और ये हो जाएगा हमारा पांच गुणा कर देते हैं तो पांच बी माइनस पांच ए बराबर यहां तीन का गुणा करेंगे तीन बी प्लस ए अब देखिए ए को एक तरफ और बी को एक तरफ ये पांच बी माइनस इधर आएगा थ्री बी बराबर ये पांच आएगा तो तीन ए प्लस पांच ए ये क्या हो जाएगा हमारा दो बी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आठ ए हो जाएगा तो ए संबंधी बी पूछ रहा है कि ए संबंधी बी या ए अनुपात बी कितना होगा तो ए बटा में बी का मान कितना हो जाएगा जो बी के साथ लगा है ए का मान तो दो हो जाएगा जो ए के साथ लगा है वो बी का मान हो जाएगा आठ साल करेंगे एक बटा चार तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा अनुपात लिखेंगे ए संबंध बी क्या हो जाएगा एक अनुपात अतः तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा ऐसा ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो घंटा पैतालीस मिनट का समय एक दिन का कितना परसेंट है इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दिया गया है आप उसी के आधार पर लगाएंगे और जो भी आंसर रहेगा आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यदि ए प्लस बी का पंद्रह परसेंट बराबर ए माइनस बी का पच्चीस परसेंट हो तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया है आप इसका सॉल्व करके इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यदि x का 40 परसेंट बराबर 500 का 10 परसेंट के समान हो तो x का मान ज्ञात कीजिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है वह तो कह रहा है x का 40 ये हो गया हमारा 40 परसेंट का 10 परसेंट तो बटा में सौ दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा ये क्या होगा चार एक्स बटा में दस बराबर ये क्या बचेगा ये हो जाएगा हमारा पचास ठीक है अब देखिए एक्स का मान ज्ञात करेंगे ये क्या हो जाएगा यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पांच सौ ये गुणा है तो यहाँ आएगा तो भाग होगा पांच सौ में चार ठीक अब चार का भाग करेंगे चारे कम चार चार दुना के आठ चार पच्चीस अतः विकल्प नंबर तीन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन दे रहा है कि एक सौ बीस का पच्चीस परसेंट देखिए क्या कर रहा है एक सौ बीस का पच्चीस परसेंट पच्चीस बटा में सौ प्लस तीन सौ अस्सी चालीस परसेंट इतना तो समझ में आ गया अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है कह रहा है कि तीन सौ छह सौ सैतीस का क्वेश्चन मार्क तीन सौ सैतीस का क्वेश्चन मार्क तो हम गुणे कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम क्या मान लेते हैं कि हमारा एक्स क्या मान लेते हैं हम इसके स्थान पे क्या है हमारा एक्स ये बात समझ में आ गई अब देखिए अब यहां से सॉल्व करेंगे एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो गया पांच दुना के दस पचे पांच पचे पच्चीस ये पांच के तीस ये हमारा तो हो गया तीस प्लस यहां देखते हैं ये बत्तीस को दो बारह बारह तीन पंद्रह बराबर छह सौ सैतीस गुड़े एक्स क्विस्टर मार्ग के स्थान पे हम क्या माने थे एक्स माने थे अब देखिए जब जोड़ेंगे ये क्या होगा एक सौ बयासी बराबर छ सौ सैतीस एक्स तो एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा एक सौ बयासी कटा में छह सौ सैतीस अब देखिए आपको कटाना है आप कटा सकते हैं भाग दे सकते हैं लेकिन ये देखिए सबके विकल्प में क्या देख रहे हैं सबके विकल्प में देख रहे हैं कि हर जो है साथ साथ है यहाँ भी साथ है यहाँ भी साथ है यहाँ भी साथ है यहाँ भी साथ है इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो ऐसी संख्या से विभाजित हुई होगी ऐसी संख्या से विभाजित हुई होगी कि जिसका एक गुणनखंड क्या होगा साथ रहा होगा और दूसरा वो जो इसको विभाजित किया होगा जैसे कि छह सौ सैंतीस निकालना होगा तो इसका मतलब कि एक गुणे सात वो संख्या में अगर सात का गुणा किए होंगे तो ये हमारा छः सौ आया होगा तो एक का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा छः सौ सैतीस बटा में सात ये हमारा क्या निकल के आ जा रहा है ये हमारा निकल के आ जा रहा है इक्नवे तो तो इसका मतलब कि इक्यावे गुने सात किए होंगे तो छः सौ आया होगा इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये जो संख्या है यह एकानवे से विभाजित हुई होगी जब से विभाजित हुई होगी तो दोनों विभाजित होंगी एक्स बराबर क्या हो जाएगा से विभाजित करेंगे तो एक, एक सौ बयासी होता है ये तो दो हो जाएगा और ये साथ छह सौ सैतीस होता है तो ये हमारा हो जाएगा दो बटा सात एक्स का मान कितना आ गया दो बटा ठीक है ये विकल्प नंबर कितना हो जाएगा निकल नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर आई समझ में तो यहां जो माने हैं आप एक दूसरा चर मान लें क्योंकि हम एक मान लिए हैं पहले तो इसको वाई का वाई मान लीजिए ये क्या हो जाएगा वाई गुण सात सात ये इसके गुणनफल के बराबर रहा होगा ये वाई का मान क्या आ जाएगा इक्यानवे तो हम इसी एक का भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा x का मान दो बटा सात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यदि p का पचास परसेंट बराबर q का पचीस परसेंट हो तो p e बराबर q का x परसेंट है तो x का मान गया इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है बस आंकड़े चेंज है आप इसको सॉल्व करके इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि x का दस परसेंट वाई के 15 परसेंट का तीन गुना हो तो x संबंधे y का मान गया क्या एक्स का 10%, दस परसेंट दस बटा में ये हो गया हमारा सौ दस परसेंट क्या है वाई के 15 का तीन गुना है ये का 10 जो है, ये वाई के पंद्रह बटा में सौ का तीन गुना है मतलब ये बात समझ में आ गई अब देखिए सौ से सौ ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ये तो पान पंद्रह पांच गुना के दस इसका मतलब हो गया कि टू एक्स बराबर ये क्या आ जाएगा नौ वाई अब क्या पूछ रहा है एक्स है वाई पूछ रहा है तो इसका मतलब कि एक्स बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा जो जो एक्स के साथ होगा वाई का मान होगा जो वाई के साथ होगा एक्स का मान होगा तो एक्स के साथ ये है तो इसका मतलब कि ये वाई का मान हो गया दो वाई के साथ नौ है तो ये एक्स का मान हो गया तो इसका मतलब ये नौ बटा दो अर्थात इसे लिख सकते हैं नौ संबंध में दो भी लिख सकते हैं अतः विकल्प नंबर दो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है कि यदि ए बी के बीस परसेंट के बराबर है और बी सी के पच्चीस परसेंट के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या करा करा है कि ए जो है बी के बीस परसेंट के बराबर है बीस पाचे सौ इसका मतलब कि ए बटा बी निकालेंगे ये क्या हो जाएगा एक बटा पांच आई समझ बात उसी प्रकार यहां कह रहा है जो बी है जो बी है टी का पच्चीस परसेंट है तो पच्चीस बटा में सौ पच्चीस चौका सौ सी इधर आएगा तो बी बटा में सी जो हो जाएगा यहाँ तो बचा है एक और नीचे है चार ये तो चार ही हो गए अनुपात क्या निकल गया यहाँ निकल गया ए संबंधे बी बराबर कितना हो गया एक संबंध पांच यही निकल गया ई संबंधे सी निकल के कितना आ गया ये निकल के आ गया ये कितना निकल के आ गया ये निकल, तो निकल के आ गया आपका एक संबंध बात समझ में आ आगे इसको सॉल्व करने का कई तरीका होता है तो यहाँ क्या करेंगे ये पांच है तो यहाँ पांच बढ़ा दीजिए यहाँ एक है तो इसके आगे एक बढ़ा दीजिए अब सीधा सीधा गुणा कर दीजिए ये हो जाएगा एक क्या हो जाएगा पांच संबंधे ए हो जाएगा हमारा इसका मतलब ये ए का मान हो जाएगा ये बी का मान हो जाएगा ये हमारा सी का मान हो जाएगा ठीक है ये क्या होगा ए सम्बन्धे बी का मान दिया है बी सम्बन्धे सी का मान दिया है तो इस प्रकार लिख दीजिए क्योंकि यहाँ एक का रहने दीजिए एक के स्थान पर तो बी के स्थान पर रखिए बी के सामने ठीक बी ये देखिए बी ये का मान एक था और इसके चार तो यहाँ आगे जो राशि होती है उसी को बढ़ा दिया जाता है जैसे पांच है तो यहाँ पांच बढ़ा दीजिए एक है तो इसके आगे एक बढ़ा दीजिए अगर यहाँ भी अगर कोई संख्या लिखना होता तो अगर हम चार बढ़ाते अगर और बढ़ाना होता है तो ये हम पांच बढ़ाते समझ में अब तो ये ए का मान हो गया बी का मान हो गया सी का मान हो गया अब क्या कह रहा है C का कितना प्रतिशत A के बराबर है तो हम मान ले रहे हैं कि C का x प्रतिशत जो है A के बराबर है C का मान कितना है 20 है x बटा में 100. A का मान कितना है एक है बीस पांच कितना हो गया सौ एक्स समान कितना निकल गया क्या आ गया? निकल के आ गया हमारा पांच अतः तो विकल्प नंबर तीन हमारा क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बात समझ में आ गई अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी छात्र छात्राएं एमपी पुलिस का फार्म फिलअप किए हैं आइए देखते हैं सठावं प्रश्न से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन उत्तर किया था जितने भी छात्र छात्राएं एमपी पुलिस का फार्म फिलअप किए हैं तो देखते हैं कि सठाव प्रश्न से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पुटप किए थे आइए उनको सॉल्व करते हैं देखिए पूछा था कि वह संख्या कौन सी है जिसका बारह परसेंट दो सौ बावन है मान लेते हैं कि वह संख्या हमारी क्या है वह संख्या x है इसी का हम मान लेते हैं कि परसेंट जो है इतने के बराबर है दो सौ बावन के तो x पुणे बारह परसेंट का मतलब बारह में सौ बराबर ये क्या हो जाएगा दो सौ बावन अब देखिए बारह से कटाएंगे बारह गुना के चौबीस बारह एगम बारह ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर ये हो जाएगा इक्कीस इधर गुना करेंगे ये डबल जीरो लग जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा इक्कीस ये हमारा क्या हो यही हमारा आंसर होगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मुताब किया था ऐसी कौन सी संख्या है जिसका सोलह परसेंट एक सौ बानवे है बस क्या क्या है आंकड़ा चेंज कर दिया है से सेम टू सेम वही क्वेश्चन है क्या है बस आंकड़े चेंज है वो संख्या क्या हम मानेंगे एक्स मानेंगे इसी का हम मानेंगे सोलह परसेंट सोलह बटा में सौ यही क्या है एक सौ बानवे है सोलह से कटाएंगे सोलह कम सोलह सोलह बत्तीस तो बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बारह ये डबल जीरो लग जाएगा ये क्या हो जाएगा बारह ये हमारी संख्या क्या हो गई हमारी जिसका सोलह परसेंट करेंगे तो एक सौ बानवे आएगा आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन पूरा किया था कि यदि वाई का नब्बे परसेंट एक्स है तो x का कितना परसेंट y है जबकि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया गया है आप लगा लेंगे क्या करेंगे इसका y का क्या मतलब गुणा 90 परसेंट कर नब्बे बटा में 100 क्या है x है बराबर x कर दिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया इसका मतलब ये हो गया नौ वाई बराबर दस एक्स इसका मतलब एक्स बटा वाई का मान निकालेंगे एक्स बटा वाई का मान निकालेंगे ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जो वाई के साथ होगा वो एक्स का मान नौ no. जो एक्स के साथ होगा वाई का मान ये एक्स का मान क्या आ गया नौ no आ गया और वाई का मान कितना आ गया हमारा दस आ गया क्या रहा है क्वेश्चन में एक्स का कितना प्रतिशत वाई है तो हम मान लेंगे एक्स का एक्स पर एक्स तो माने ही है कोई और अचर राशि मान लेते हैं कि पी है तो x राशि क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं तो x का मतलब गुणा p परसेंट का मतलब कि p बटा में 100 so, यही कितने के बराबर है ये हमारा है y के बराबर x का मान कितना है यहाँ, x का मान हो गया 9 no. p तो बटा में 100 so, y का मान कितना हो गया ये y का मान हो गया आपका 10 जब p का मान निकालेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा ये दर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 अब बटे में ये आएगा नौ अब सही बटा में लिखेंगे इसका या तो दशमलव में लिखिए या तो सही बटे के रूप में लिखिए तो नबे कम नौ नवे कम नौ नवे कम नौ, देकम नौ, नौ, देकम नौ सही बटा में लिख लेते हैं एक बटा में नौ जिस प्रकार आंसर दिया रहेगा हम उसी प्रकार आंसर लिखेंगे ठीक है ये हो गया इतना परसेंट ठीक है मान क्या हो गया एक सौ ग्यारह सही एक बटा नौ परसेंट यही हमारा क्या होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का पांच बटा दो है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है जैसे कह रहा है कि मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है मान लेते हैं जो पहली संख्या है हमारी पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या क्या है दूसरी संख्या मान लेते हैं दूसरी संख्या जो है आपका ये हमारा है बी क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग योग दें ए प्लस बी ये हो गया दो तो संख्याओं कई पहली संख्या का पांच बटा दो है ये ए प्लस बी जो है ये क्या है पहली संख्या ए e का जो है एक का मतलब गुना पांच बटा दो है तो इसका मतलब ये क्या हो गया ये हो गया पांच बटा दो समझ में गई अब देखिए ये दो है तो ये गुणा करेंगे ये क्या होगा दो ए प्लस दो बी इधर क्या हो जाएगा इधर होगा पांच ए को एक तरफ बी को एक तरफ या टू बी है को इधर भेजेंगे तो पांच ए माइनस टू ए ठीक, यहां क्या जाएगा यहां तो तू, तू भी हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ये हमारा ए है ना थ्री अब ए बटा बी का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा दो बटा में तीन ये समझ में आ गई अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है तो मान लेते हैं कि पहली संख्या का एक परसेंट है तो पहली संख्या हो गई हमारी ए का एक परसेंट एक, एक बटा में सौ का एक परसेंट यही हमारा क्या है दूसरी संख्या अर्थात की हमारा बी है एक स्थान पे मान दिया है तो दो रख दीजिए दो कुड़े एक में सौ बराबर बी का मान कितना है तीन है तो यहाँ आप रख दीजिए ये बात आपको समझ में आ गई अब देखिए ये क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा हमारा पचास एक्स का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक सौ पचास यही हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा एक सौ पचास प्रतिशत आगे समझे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन पुट आउट किया था दो हजार सत्रह एमपी पुलिस दो हजार सत्रह में ये क्वेश्चन पुट आउट किया था क्या दिया है कि a माइनस बी का नब्बे परसेंट नब्बे बटा में ये हम कर दिए सौ यह क्या है ये ए प्लस बी के साठ परसेंट के बराबर है बराबर है कितने के ए प्लस बी के साठ परसेंट के बराबर सौ से सौ ये कैंसिल हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या नौ ए माइनस नौ बी बराबर यहाँ क्या होगा छ ए प्लस छ अगर हम इसे और छोटा भी कर सकते थे और छोटा कर लीजिए यहां यहां तीन से कटाएंगे तो तीन दुना के छह छली के नौ ये क्या हो जाएगा पूरा कर दें ये होगा थ्री ए माइनस थ्री बी बराबर ये क्या हो जाएगा टू ए प्लस टू बी अब ए को एक तरफ बी को एक तरफ करेंगे ए इधर आएगा तो थ्री ए माइनस टू ए बराबर टू बी प्लस थ्री बी अब ये क्या हो जाएगा ये तो ए हो जाएगा और ये हो जाएगा पांच बी यहाँ कुछ नहीं है तो एक मानेंगे तो ए बटा बी का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पांच बटा एक इसका मतलब ए का मान हो गया पांच बी का मान क्या हो गया एक पूछ क्या रहा कह तो रहा है कि ए का कितना प्रतिशत भी है तो मान लेते हैं कि ये एक्स प्रतिशत जो है एक का एक्स प्रतिशत भी है तो ए का मतलब गुणा एक्स प्रतिशत क्या है हमारा बी है ए का मान कितना निकाले हैं यहाँ पांच निकाले हैं एक्स बटा में सौ हो गया बी का मान कितना हो गया बी का मान एक हो गया यहां करेंगे ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर आ गया बीस प्रतिशत एक्स का मान कितना आ गया ये हमारा आ गया बीस प्रतिशत तो ए का बीस प्रतिशत हमारा क्या होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय